नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको LDR के बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये LDR है या ट्रांसड्यूसर है, तो इसी के बारे में हमें ये कन्फर्म करना है। ये देख लीजिए, ये हमारा एक LDR या ट्रांसड्यूसर है। इसमें लेवल भी लगा हुआ है और इसके ऊपर ये क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए। ये सब लिखा हुआ है, तो आज हमें इसी की टेस्टिंग करनी है। इसी के बारे में बताएंगे ये क्या चीज है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये आपने देख ही लिया है, ये एक मशीन का पार्ट है। ये मशीन को ऑन ऑफ करता है, ऑपरेट करता है। ये देखिए, इसके ये यहाँ दो वायर हैं, तो हम यही टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर से। ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हम सबसे पहले डायोड या रेजिस्टेंस में सेट करते हैं। हमारा मल्टीमीटर किसी भी कंपनी का हो, हम सबको रेजिस्टेंस या डायोड में सेट करते हैं जब हमें कोई चीज चेक करनी हो या बजर पर। तो ये देखिए, ये कुछ भी नहीं बता रहा है। तो अब को सेट कर लिया या डायोड पे हमने रख लिया है। ये देख लिए, सिंबल डायोड का दिख रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ खोलने का है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये हमने खोल लिया है। ये देखिए, इसमें यहाँ पर तीन वायर हैं, ब्लू, रेड और ये शील्ड। ये ग्राउंड है यहाँ, ये हमारी एक शील्ड है। और यहाँ देखिए, ये दो वायर है, तो इसमें से एक वायर टूटी हुई है। यहाँ से टूट गई तो मशीन ऑपरेटर को या जो भी एक टेक्नीशियन है, इसको नहीं पता चला कि एक वायर टूट गई है, ये कैसे काम करेगा। इसलिए ये कोई भी रेजिस्टेंस या डायोड नहीं बता रहा है। तो हम पहले सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि ये सही है या फॉल्ट होकर ये बंद हुई है। ये वायर यहाँ से रेड टूटी है, तो आओ अब हम इसको रेजिस्टेंस में सेट कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस में हमने सेट कर दिया है और देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी 47 ओम की रेजिस्टेंस बता रहा है, तो ये हमारा ये सही है। अब हमें चेक करना है ये हमारा LDR है या ट्रांसड्यूसर है, तो यही चेक करके हमें इसको बताना है कि ये क्या चीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं, लेवल भी दिया है। ये यहाँ इसके ट्रांसपेरेंट कुछ लगाई हुई है और ये बंद भी किया हुआ है। इसका ये नंबर भी है, तो ये नंबर से तो मुझे शो नहीं हो रहा है कि ये क्या है। हम इसको यहाँ खोल लेते हैं। ये चलो, ये हमारा ये खुल गया। तो ये हमारा एक इसमें रेड वायर भी हमें मिल गया है। ये जो हमारा यहाँ रेड वायर है, ये हमें यहाँ मिल गया है। तो अब हम यहाँ भी रेजिस्टेंस इसकी चेक कर लेते हैं। तो ये 47 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये मेरा यहाँ लीड सही है, ये ठीक है। करना है कि ये मेरा LDR है या ट्रांसड्यूसर है, ये क्या चीज है। तो दोस्तों, आओ अब मैं इसको LDR की टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ऊपर हम रोशनी डालते हैं। ये अभी मेरा 48 रेजिस्टेंस आ रहा है, तो अब हम इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो इसका ये रेजिस्टेंस घट रहा है, 38 हो गया है। और हम इसको और नजदीक लाते हैं और रोशनी डालते हैं, तो ये देखिए, इसका रेजिस्टेंस और 33 ओम 32 ओम हो गया है। तो हमें इसका कंफर्म हो गया है, ये हमारा LDR है। और अब हम एक LDR भी देख लेते हैं कि LDR ऐसे ही वर्क करता है या नहीं। ये हमारा एक LDR है और ये भी LDR ही है, तो LDR कंफर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक LDR है। LDR की तरह ये वर्क करता है या नहीं। मेरा रेजिस्टेंस दिखा रहा है 600 ओम के लगभग। तो हम इसके ऊपर रोशनी डाल लेते हैं, ये कैसे कैसे काम करता है। ये जैसी रोशनी पड़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इसकी कम हो गई है, 232 33। तो हम इसे और नजदीक ले जाते हैं रोशनी के। देखिए,
और नजदीक ले जाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस और कम हो गया है, 120 ओम 110 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया है। तो दोस्तों हमें कंफर्म हो गया है ये हमारा एलडीआर है और ये भी हमारा एलडीआर है, इसकी भी रेजिस्टेंस कम हो रही है। मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी।